अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाई थी मेरी स्लैब किचन की, जो कि काफ़ी हद तक टूट चुकी थी। ये देखें, ये आप क्रैक्स देख रहे थे और ये है, और ये जो गैस बर्नर था इसके इस तरफ भी काफ़ी हद तक, ये देखें स्लैब जो है वो इस हद तक टूट चुका है कि ये बिल्कुल पीस अलग हो गया है। इस वक्त इसको पूरा रिन्यू कराने से बेहतर मुझे ये लगा कि इस पर जो है वो मार्बल शीट को पेस्ट कर दिया जाए, जब तक ताकि यहाँ रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो ये थोड़ी सी ड्यूरेबल हो जाए और मेरा काम चल जाए। अभी मैं सर्च कर रही थी दराज पर, तो मुझे ये एक ईद सेल नज़र आई थी। इसमें ये 617 रुपीज़ के अंदर ये दो शीट्स जो थी मुझे ये नज़र आई, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी, तो इसलिए मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, इस तरीके से पैक किया गया है कि इस जो शीट है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है। ये क्लिंग फिल्म में इसको रैप किया हुआ है। पहले मैं जो मुझे जहाँ मार्बल शीट लगानी है उस जगह को पूरा खाली कर दूंगी। गैस बर्नर को हटाने की एक नाकाम कोशिश मैंने की है, जो मुझसे नहीं हो सका, तो इसके लिए जाहिर है हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द मेन लाइन ऑफ गैस। नेक्स्ट जो है मैं स्लिप को पूरा अच्छी तरह वाइप ऑफ कर लूंगी, ताकि इस पर अगर कोई डस्ट है या कोई पानी वगैरह लगा हुआ है तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। इस शीट की चौड़ाई तो काफ़ी अच्छी है, बस एक इंच से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ताकि ये नीचे का हिस्सा कवर नहीं हो रहा, तो अब हम इसको बाद में जो है छोटी स्ट्रिप्स काट के लगा लेंगे। इस शीट को आप कॉर्नर से पेस्ट करें और फिर एक कपड़ा अपने हाथ में रखें, ताकि उससे जो है इसके अंदर आने वाली एयर को आप हटाते रहेंगे तो इसमें कोई भी एयर बबल नहीं बनेगा। बिल्कुल ही एहतियात के साथ आपने जो है इसको पेस्ट करना है। और एक बात याद रखें कि पूरी शीट को जो है आपने एक साथ नहीं ओपन अप कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके स्टिकर खोलना है और उसको कपड़े की मदद से फोल्ड करते जाना है। ज़ाहिर है फर्स्ट अटैम्प है तो अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वैसे भी आप इस शीट को लगाने में दो बंदों की नीड तो लाजमी है, क्योंकि एक बंदा अगर नीचे से फोल्ड कर रहा है तो दूसरा जो है वो उसके एयर बबल को निकालता रहे। तो सक्सेसफुल एक तरफ मेरा तकरीबन पेस्ट हो गया है, अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और हम फिर इसको कटिंग कर देंगे। बिल्कुल स्लोली आप इसके नीचे वाले पेपर को रिमूव करते जाएं और ऊपर वाले हिस्से को स्टिक करते जाएंगे, आप इजीली जो है वो पूरी शीट जो है वो स्लैब पर आसानी से लगा लेंगे और कोई एयर बबल भी नहीं आएगा। ये एक पार्ट मेरा कवर हो चुका है, ये एक्स्ट्रा शीट है और इसको जो है मैं अब यहाँ से कट कर दूंगी।
सीजर की हेल्प से इसके एजेस को कट कर दें ताकि इसको फोल्ड करने में अंदर की तरफ आपको आसानी होगी और ये शीट डैमेज नहीं होगी। दूसरी तरफ जो स्लैब है उसका मैंने पहले साइज़ ले लिया है और अब मैं उसी साइज़ से इसको कट कर लेती हूँ ताकि इसको जो है पेस्ट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये जो दो सेंटर के पीसेस रह गए थे तो ये वर्टिकली हमने इनको काट लिए हैं दो पीसेस में और इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे ताकि ये दो स्पेस कवर्ड हो जाएंगे। चले जी, तो ये पहली स्ट्रिप है जो मैंने बगैर अपने हस्बैंड की हेल्प के खुद ही पेस्ट कर ली। किसी कटर या नाइफ की हेल्प से आप इसके एजेस को भी क्लीन कर लीजिए अगर वॉल पर थोड़े थोड़े स्टिक हो गए हैं, ताकि इसका नीट लुक आएगा एकदम। एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ द स्लैब जो कि बिल्कुल टूट चुकी थी। वाली स्लिप है ये जो सिंक के पास वाली है, इसको एक बार वाइप कर लेते हैं पूरा। ये दूसरा रोल ओपन किया है मैंने नई स्लिप के लिए और इसको पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको क्लीन कर देंगे और इसके ऊपर से शीट को हटा देंगे। सिंक के नीचे वाले एरिया पर मैंने शीट को पहले कट नहीं किया है, मैंने पहले पूरा एज इट इज पेस्ट कर दिया है और अब कट कर रहे हैं। और यहाँ जो ये छोटी छोटी सी ये लाइंस बाकी रह गई थी तो इसके भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं मैंने शीट में से और इनको पेस्ट कर दूंगी।
नीटली पेस्ट कीजिएगा ताकि ये फील ना हो कि आपने इसमें कोई जोड़ लगाया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द स्लैब। आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको अंडर बजट लगा या फिर ये ओवर बजट लगा, और ये कैसा लगा आपको मेक ओवर, प्लीज़ लेट मी नो।